हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मूवी थ्रिल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए साउथ के टॉप 6 बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मिस्टिक क्राइम थ्रिलर मूवीज लेकर आए हैं, जो हिंदी में डब होकर अवेलेबल हो चुकी हैं। आज की ये सभी मूवीज बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार हैं, जो आपको अंत तक बांध कर रखने का काम करेंगी। तो आइए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 6 पे जो मूवी है वो है कैप्टन। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। ये एक साइंस फिक्शन पे आधारित थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 88% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है आर्या, ऐश्वर्या, लक्ष्मी के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें सैनिकों का समूह एक रहस्य को उजागर करने के लिए एक जंगल में खतरनाक मिशन पर निकलता है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वे एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है सिनम। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है काली वेंकट, पलक लालवानी, रेखा सुरेश के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक पुलिस अधिकारी की पत्नी के अचानक लापता होने के बाद वह उसके लापता होने की इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। तो आखिर उसकी हत्या किसने की और क्यों, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है एडम जोन। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 80% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है पृथ्वीराज सुकुमारन, भावना के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक युवक एडम स्कॉटलैंड जाता है, जब उसे पता चलता है कि उसके परिवार की हत्या कर दी गई है और उसकी नवजात बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद वह अपराधियों को खोजने और अपनी बेटी को बचाने के लिए निकलता है। अब आगे क्या होता है कहानी में, क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगा और उन हत्यारों को पकड़ पाएगा, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है थीवरम। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 63% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई डलके सलमान, श्रीनिवासन के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें हर्षवर्धन की पत्नी की हत्या हो जाती है और वह अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेना चाहता है, लेकिन शहर का पुलिस अधिकारी अलेक्जेंडर शहर में हो रही वारदात पर नजर रखता है, जिसके कारण हर्षवर्धन के लिए अपने काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आगे कहानी में क्या होता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है विक्रांत रोना। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 85% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है सुदीप, नीरू भंडारी के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें विक्रांत रोना एक भीषण हत्या के इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में मौतों की एक श्रृंखला सामने आती है। अब संकेतों और सुरागों के साथ विक्रांत कैसे उस हत्यारे को ढूंढते हैं, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है थुप्पारीवालन। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स द्वारा लाइक किया गया है। ये एक तमिल भाषा की मूवी है, इसे हिंदी में डेसिंग डिटेक्टिव नाम से डब किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है विशाल, सिमरन के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें
सीरियल किलर लगातार बहुत ही रहस्यमय तरीके से हत्याएं कर रहा है और उसी समय एक बच्चा अपने पालतू कुत्ते की मौत के रहस्य के लिए एक जासूस से संपर्क करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत ही बड़ी साजिश सामने आती है। तो आखिर क्या है साजिश और वो सीरियल किलर कौन है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जबरदस्त मूवीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।